सभा में आए हुए सभी भक्तजनों, मैं बहुत आभारी हूं स्वामी जी का जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा यहां बुलाकर मेरा व्याख्यान कराया जाए। स्वामी जी के सभी शिष्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे संपर्क किया और बहुत शीघ्रता में और बहुत जल्दी में ये कार्यक्रम बन सका। मैं बहुत दिन से खुद भी स्वामी जी के दर्शन करना चाहता था। उनकी लिखी हुई कई पुस्तकें मैंने पढ़ी, उनके बारे में मैंने बहुत बार सुना है दूसरे लोगों से, तो आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ आ सका और उनके दर्शन हुए और आपसे अपनी बात कह भी सका। मैं और मेरे बहुत सारे साथी पिछले कई वर्षों से किसी तरह के एक कार्य में लगे हैं जिस तरह का कार्य स्वामी जी ने अपने हाथ में उठा रखा। भारतीय संस्कृति का जो पतन हो रहा है और भारतीय संस्कृति में जो मूल्य रहे हैं उनमें जो गिरावट आती जा रही है पिछले कई वर्षों से, उसको बचाने के कार्य में हम लोग लगे हुए हैं पिछले कई वर्षों से। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के ऊपर पिछले हजार वर्षों में बहुत तरह के विदेशी आक्रमण हुए। कई बार ऐसे विदेशी आक्रमण हुए हैं जब विदेशी आक्रांता या विदेशी आक्रमणकारी सीधे भारत में आए, उन्होंने भारत की संपत्ति को लूटा, यहाँ के मंदिरों का नाश किया, यहाँ के देवालयों का नाश किया, यहाँ की व्यवस्थाओं को तोड़ा, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, यहाँ के लोगों को मारपीट कर अपने साथ ले गए। ऐसे बहुत सारे आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए हैं। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी आया, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, उसके बाद दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, 17 बार लगातार महमूद गजनवी आता रहा और एक सोमनाथ के मंदिर को तोड़ता रहा और संपत्ति को लूटता रहा। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद ऐसे बहुत सारे आक्रमणकारी आए, उन्होंने भी भारत को इसी तरह से तोड़ने का काम किया, इसी तरह से उसको बर्बाद करने का काम किया। 15वीं-16वीं शताब्दी तक ये मुस्लिम आक्रमणकारियों का ज्यादा आक्रमण होता रहा भारत के ऊपर, और उसके बाद यूरोप के आक्रमणकारियों का भयंकर तरीके से आक्रमण हुआ भारत के ऊपर। यूरोप की तरफ से जो सबसे पहला आक्रमणकारी भारत में आया वो वास्को डिगामा था 1498। वास्को डिगामा के बाद दूसरे बहुत सारे पुर्तगाली आए, स्पेनिश लोग आए, डच लोग आए, फिर फ्रांसीसी लोग आए, फिर अंग्रेज आए हिंदुस्तान में, और ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा। कई बार मेरे मन में प्रश्न आता था कि ऐसा क्या था कि जो भारत के ही ऊपर इतने सारे विदेशी आक्रमण हुए, उसका कारण क्या, उसका रहस्य क्या, ये समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो उस दृष्टि से भारतीय इतिहास का बहुत गहराई से अध्ययन करने की कोशिश मैंने की पिछले कई वर्षों में, और उस अध्ययन करने के दौरान बहुत सारे दस्तावेज भी इकट्ठे किए। कुछ 50,000 से ज्यादा दस्तावेज पिछले 10 वर्षों में मैंने और मेरे साथियों ने इकट्ठे किए हैं, और उनमें से काफी दस्तावेज विदेशों से लाने पड़े। लंदन नाम का एक शहर है इंग्लैंड में, वहां पर हिंदुस्तान की इतिहास की जानकारी देने वाले लाखों दस्तावेज रखे हुए हैं। लंदन में एक हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां की लोकसभा है, जैसे हमारे देश में दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा है जिसको हम संसद कहते हैं, वैसे ही इंग्लैंड की भी संसद है, इंग्लैंड की भी एक लोकसभा है और राज्यसभा है, तो इंग्लैंड की लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो वहां पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है, वहां पर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनाया हुआ है, कई सौ साल पुराना है वो, हजारों साल पुराना है शायद। तो वहां हिंदुस्तान के बारे में लाखों दस्तावेज पड़े हुए हैं, तो उनमें से कुछ 50,000 दस्तावेज हम लोगों ने निकाले हैं पिछले 10 वर्षों। काफी पैसा इसमें हम लोगों ने खर्च किया, लेकिन हमें उसमें काफी सफलता मिली जब इन दस्तावेजों को हम निकाल कर लाए। और इन दस्तावेजों को निकालने के पीछे हमारे मन का उद्देश्य यही रहा कि आखिरकार हम ये समझना चाहते थे कि इस देश के ऊपर इतने सारे विदेशी आक्रमण क्यों हुए, उसका कारण क्या था, और अगर ऐसे विदेशी आक्रमण होते रहे हैं तो कभी आगे भी हो सकते हैं, तो उससे बचने का कोई रास्ता हो सकता है क्या। मैंने ऐसा महसूस किया है पिछले 10 वर्षों में कि अगर किसी समस्या का गहराई से समाधान ढूंढना हो तो उस समस्या का
वर्तमान तो ठीक से समझना ही पड़ता, उसका भूतकाल भी समझना पड़ता, और भूतकाल और वर्तमान अगर दोनों ठीक से समझ में आ जाए तो फिर उसका भविष्य भी समझ में आने लगता। तो इस दृष्टि से हमने वो काम किया, और उस काम को करने के बाद जो ज्ञान मिला, जो जानकारी मिली, वही मैं आपसे कहने के लिए आया कि पिछले 1000 साल में ये सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हिंदुस्तान के ऊपर एक तो इसलिए हुए कि हमारा राष्ट्र बहुत समृद्ध था, हमारा राष्ट्र बहुत समृद्ध था, शक्तिशाली था, हमारे राष्ट्र के पास संपत्ति बहुत थी, हमारे राष्ट्र में मूल्य बहुत ऊंचे रहे थे, सांस्कृतिक विरासत हमारी बहुत ऊंची थी। तो विदेशियों को एक तो जलन होती रही हमसे, हमारी संपत्ति के ऊपर उनकी आंख लगी रही, और दूसरा विदेशियों के पास वो कुछ नहीं था जो भारत में था, तो वे उसको लूट कर अपने यहां ले जाने की कोशिश करते थे। तो इसलिए ये सारे के सारे विदेशी आक्रमण होते रहे। विदेशी आक्रमण 1947 में खत्म हो गए ऐसा हम सब लोग मानते हैं, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हो, 10वीं-11वीं शताब्दी से जो परदेशियों ने भारत में आना शुरू किया, 1947 में 15 अगस्त को हमने मान लिया कि भारत आजाद हो गया, परदेशी आक्रमण अब भारत पर नहीं होते। लेकिन मेरी मान्यता कुछ अलग है, परदेशी आक्रमण आज भी हो रहे हैं, उनका स्वरूप बदल गया। पहले विदेशी आक्रमण सीधे सीमाओं पर होता था, कोई विदेशी आक्रांता आता था, हमारे गांवों को लूट के ले जाता था, मंदिरों को लूटता था, लोगों को मारता था, पीटता था, एक तरीका था ये। लेकिन आज तरीका बदल गया, समय बदल गया है, समय के हिसाब से तरीका बदल गया। आज भी परदेशी आक्रमण होते हैं, लेकिन वो परदेशी आक्रमण मानसिकता में होते हैं, विचार में होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं, राजनीतिक नहीं होते, सीमाओं पर नहीं होते हैं, लेकिन आपके देश की सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर होते हैं। और इस समय भी वो भयंकर तरीके से चल रहे हैं, और किस तरह से चल रहे हैं, जैसे कभी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में गुलामी लाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा था, वैसे ही आज हिंदुस्तान में 4000 परदेशी कंपनियां फिर से काम कर रही, और उन 4000 परदेशी कंपनियों का धंधा पूरे भारत में चल सके इसके लिए भारत सरकार खुद कानून बना रही है, परदेशी कंपनियों का व्यापार बढ़ाने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, उनको मुनाफा हिंदुस्तान में कमाने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, वे मुनाफा कमा के हिंदुस्तान के बाहर ले जाए उसके लिए कानून बनाए जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नियम कायदे कानून इस देश में बनाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो बची हुई भारतीय संस्कृति है उसको बर्बाद करने के लिए भी कानून बनाए जा रहे हैं। हमारे देश की काफी संस्कृति की बर्बादी तो पिछले 1000 साल में हुई है, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे तत्व जिंदा रह गए हैं, कुछ ऐसे मूल्य जिंदा रह गए हैं जो सनातन है, जिनको मारना सबके बस की बात नहीं, लेकिन उन सनातन मूल्यों को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए और एक भारतीय समाज को ऐसा बना दिया जाए जो पूरी तरह से परदेशी संस्कृति आधारित हो जाए, उसकी कोशिश आज भी चली। पहले जो काम कोई विदेशी आक्रमण करके करता था अब वो काम कानून बनाकर किया जाए, बस इतना फर्क हो गया। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी राजा को हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को मारना है तो वो आएगा और सीधे मार देगा, लेकिन आज किसी विदेशी कंपनी को हिंदुस्तान के लाखों लोगों को मारना हो तो वो विदेशी कंपनी क्या करेगी, पहले हिंदुस्तान में कोई एक कारखाना लगाएगी, कारखाना लगाकर उसमें कोई ऐसी जहरीली गैस का उत्पादन करेगी, और एक दिन अचानक से उस जहरीली गैस का टैंकर फट जाएगा और उस जहरीली गैस के निकलने के कारण हजारों लाखों लोग मर गए। ऐसा हुआ था भोपाल 1984 के साथ, एक अमरीकी कंपनी आई, उसका नाम है यूनियन कार्बाइड, उसने अपना एक कारखाना चलाया, उस कारखाने में जहरीली गैस बनती थी, एक दिन उन्होंने कहा कि जहरीली गैस जिसमें रखी जाती थी वो टैंकर फट गया और उसमें हजारों लोग, 10,000 लोग एक ही रात में मर गए और 5,00,000 लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए। तो अगर कोई विदेशी राजा आता और उन 10,000 लोगों को सीधे मारता, वो एक तरीका था, उन्होंने राजा को नहीं भेजकर अपनी एक कंपनी को भेज दिया और उस कंपनी ने 10,000 लोगों को मार दिया, बात तो वही हुई ना। तो पहले सरकार ने एक कानून बना दिया, कंपनी का कारखाना चलवा दिया उस कानून के आधार पर,
बाद में उस कारखाने में घोटाला हो गया, टैंकर फट गया और उसके बाद 1,000 लोग 10,000 लोग मर, तो ये तरीके बदल गए थे, मारना पहले भी था आज भी वो मारते। तो इस तरह के तरीकों को अगर हम समझ सकेंगे कि ये हो क्या रहा है हमारे देश में, तो शायद भविष्य में इनसे बाहर निकलने का रास्ता भी खोज सके। तो मेरी अपनी ऐसी मान्यता है पिछले 10 वर्षों में जो समझ बनी है मेरी, कि अब जो कुछ होता है वो कानून बनाकर होता है। जैसे पहले आपकी कोई जेब काटेगा तो आप कहेंगे मेरी जेब कट रही है, अब सरकार आपकी जेब काटने का कानून बना देगी और तब आपकी जेब काटी जाएगी, तब आप ये नहीं कहेंगे कि जेब कट रही है, सरकार ये कहेगी हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। अब उसमें आपकी जेब कट रही है तो कट जाए। थोड़ी देर पहले जो भाई जी बोल रहे थे, एक मैं अंदर से सुन रहा था, कि भारत सरकार ने गर्भपात के लिए कानून बना दिया, तो एक तरह के लीगलिटी मिल गई ना। अब बिना पैदा हुए बच्चे को आप आसानी से मार सकते हैं क्योंकि उसका कानून बन गया। पहले कानून नहीं था तो उसको मारने में बहुत सामाजिक प्रश्न खड़े होते थे, अब नहीं है वो सामाजिक प्रश्न। अब तो सरकार बड़े आराम से कहती है कि एमपीपी एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन फॉर प्रेगनेंसी एक एक्ट बना दिया है, उस एक्ट के तहत हजारों हजारों लोग गर्भपात कराते हैं, सरकार कहती है कि हम तो कानून का पालन करते हैं। यही हो गया ना, सीधे आप उसको मारेंगे अगर किसी बच्चे को, तब तो वो हत्या हो जाएगी, लेकिन एमपीपी के एक्ट के तहत जब आप उसको मारेंगे तो सिर्फ गर्भपात रहेगा, हत्या नहीं मानते उसको, क्योंकि अगर उसको हत्या मानना शुरू कर दे तो फांसी की सजा हो जाएगी उसमें। तो जितने डॉक्टर ये एमपीपी कर रहे हैं ये सब फांसी के फंदे पर लटकाए जाएंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया कि उसको कानून बना दिया तो बहुत सारे लोगों का उससे मुंह बंद हो। अगर बिना कानून बनाए ये खेल चलता तो शायद इसमें हंगामा बहुत हो जाता पूरे देश में, लेकिन अब वो कानून बनाकर चलाते हैं तो व्यवस्था तो वैसी ही चलती है जैसे कभी अंग्रेजों के जमाने में चलती। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि ये भारतीय संस्कृति के जो जिंदा मूल्य है उन्हीं को नष्ट करने की लगातार साजिश पिछले कई वर्षों से चल रही है। भारतीय संस्कृति का जो सबसे गहरा मूल्य मेरे समझ में आया है पिछले 10 वर्षों में वो अहिंसा का, और बहुत सनातन, और बहुत सनातन है। क्यों सनातन है? मैंने मेरे बचपन से सीखा इसको, मेरी मां को मैंने कई बार देखा जब वो झाड़ू लगाती थी घर की सफाई करने के लिए, तो वो इसका ध्यान रखती थी कि कोई चींटी झाड़ू के नीचे ना आ जाए। एक बार मेरी मां को मैंने कहा कि तुम ऐसा क्यों करती, चींटी अगर मर जाती है तो क्या फर्क पड़ता, तो उसने कहा पाप लगता। मैंने फिर मेरी मां से इससे ज्यादा पूछने की कोशिश की कि ये पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता, तो उसकी जितनी समझ थी उसने मुझे बताया। लेकिन आज मेरी समझ जो बनी है वो कुछ इस तरह की है कि चींटी को हम इसलिए नहीं मारते कि पाप लगता है, उससे भी गहरी एक दूसरी बात है। हम सब हिंदू लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। मैंने हिंदुस्तान पूरा देखा और हिंदुस्तान में रहने वाले जो भी लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, जो सनातनता में विश्वास करते हैं, मैंने उनसे एक ही बात पूछी है कि आप मुझे कोई एक ऐसा मूल्य बताओ जो कहीं विदेश में माना नहीं जाता। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं जो समझते हैं विदेश को और भारत को, वो कहते हैं कि राजीव भाई पुनर्जन्म किसी दूसरे देश में नहीं माना जाता, अमेरिका में और यूरोप में पुनर्जन्म नहीं मानते, माने ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में पुनर्जन्म की कल्पना नहीं, ये जो क्रिश्चियन धर्म है और ये जो इस्लाम धर्म है इन दोनों धर्मों में पुनर्जन्म की कोई कल्पना नहीं है, दुनिया में एक ही धर्म है हिंदू धर्म जिसमें पुनर्जन्म की कल्पना, और एक जन्म की नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म की कल्पना। तो हम चूंकि पुनर्जन्म की कल्पना में विश्वास करते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि हमें मालूम है कि आज हम मनुष्य हैं, कल चींटी भी हो सकते हैं, परसों बिल्ली भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकते हैं, केंचुआ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ईश्वर ने हमको यह मनुष्य जन्म दिया, हमारा सद्भाग्य, लेकिन योनियां तो बहुत सारी है, करोड़ों योनियां हैं, हमें उनमें से किसी दूसरे में भी जन्म मिल सकता है। तो हो सकता है पुनर्जन्म में हम कभी चींटी रहे हो या अगले जन्म में हम चींटी हो जाए। तो अभी हमने अगर चींटी को मारा तो अपने किसी भाई बंध को ही तो मार दिया, वो किसी जन्म में मनुष्य भी हो सकती थी ना। आज वो चींटी है, कभी किसी जन्म में मनुष्य हो सकती थी,
या आज वो चींटी है अगले जन्म में वो कुछ और हो जाएगी, आज हम मनुष्य है अगले जन्म में हम चींटी हो जाएंगे, इसका माने चींटी का हमारा कुछ नजदीकी रिश्ता है और वो पुनर्जन्म से जुड़ता, तो इसलिए हमने मान लिया कि चींटी को नहीं मारना, उससे हिंसा हो जाएगी, पाप हो जाएगा, और वो पाप क्या हो जाएगा कि हमने अपनी ही जैसी आत्मा की हिंसा करी है, और हम तो ये मानने वाले हैं ना कि चींटी में भी आत्मा है, हमने भी आत्मा है, आत्मा दोनों की बराबर जैसी है, शरीर दोनों का अलग हो सकता है, भगवान तो हर जगह यही कहते हैं कि आत्मा सब में एक जैसी है, तो उसमें भी आत्मा है, हमने भी आत्मा है, सब में अगर आत्मा है तो हम तो किसी को मार नहीं सकते, सब हमारे सहकर्मी हो सकते हैं, और शायद हम किसी को मार नहीं सकते इसलिए हिंदुस्तान के इस हिंदू धर्म में जीव जगत के कल्याण की बात कही है, सिर्फ मनुष्य जगत के कल्याण की बात नहीं, पूरा जीव जगत का कल्याण, हम कहते हैं ना जीव जगत का कल्याण हो, मेरे सिर्फ अकेले का नहीं, चींटी का भी कल्याण हो, हाथी का भी कल्याण हो, शेर का भी कल्याण हो, सर्प का भी कल्याण हो, कछुए का भी हो जाए, तो जीव जगत में जितने हजारों लाखों करोड़ों प्राणी है सबका कल्याण हो, क्योंकि सब हमारे ही जैसे, तो सबका कल्याण हो, सब हमारे ही जैसे है तो हम तो किसी की हिंसा नहीं कर सकते, हम तो किसी को मार नहीं सकते, इसलिए ये अहिंसा का तत्व भारतीय संस्कृति में सबसे प्रधान तत्व है, यूरोप में ऐसा नहीं, अमेरिका में ऐसा नहीं, मैंने यूरोप भी देखा है, अमेरिका भी देखा, दो तीन वर्ष में रहा भी हो वहां, मैंने वहां के लोगों को भयंकर हिंसा करते हुए देखा, क्योंकि उनके मन में इस बात की कोई कल्पना नहीं है कि तुमको यह जन्म मिला है तो अगला जन्म भी मिलने वाला है। यहां जो धर्म सिखाया जाता है जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, उन दोनों धर्मों में उनको यह सिखाया जाता है कि कल्याण हो मनुष्य जगत का, जीव जगत का नहीं, और उसकी व्यवस्था में मनुष्य को प्रधान माना जाता, बाकी जीव जगत उसमें गौण हो जाता, तो मनुष्य प्रधान है बाकी जीव जगत गौण है, तो वो गाय काट के भी खा लेते हैं, बैल काट के भी खा लेते हैं, घोड़े का मांस भी खा लेते हैं, सुअर का मांस भी खा लेते हैं, वो लोग तो कुत्ते का मांस भी खा लेते हैं बहुत सारे, हाँ यूरोप में कुत्तों का मांस खा लेते हैं, गाय बैल बकरी का तो खाते ही है, कुत्तों का भी मांस खा लेते हैं, उनको कुछ लगता ही नहीं है, उनको नहीं लगता कि मैं जो मांस खा रहा हूं वो मेरे ही जैसे किसी भाई का, परेशान मत होइए वो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। संस्कृति का दर्शन है और यूरोप की संस्कृति का दर्शन है, इसमें बड़ा भारी फर्क है और यही फर्क हमको समझना चाहिए। अब इस फर्क को मैंने बताने की इसलिए कोशिश की कि अब मैं जो मूल विषय पर आ रहा हूं गर्भपात पर या वो हत्या के सवाल पर, वो यहां से जुड़ता कि हमारे यहां गो हत्या क्यों नहीं हो सकती, यूरोप में क्यों हो सकती है, क्योंकि हमने तो माना है कि गाय में भी आत्मा है, हम में भी आत्मा है, इसलिए तो हम उसको मार नहीं सकते, यूरोप ने तो माना ही नहीं है कि जानवरों में भी आत्मा होती है, वो तो कहते हैं जानवर तो ये सब हमारे लिए होते हैं, मनुष्य इनको काट कर भी खा सकता है, मनुष्य इनसे काम भी ले सकता है, तो इस्लाम ने ये सिखाया, ईसाइयत ने ये सिखाया, हमारे हिंदू धर्म ने हमको कुछ दूसरी बात सिखाई, जैसी बात उनको दिखाई गई वैसा उन्होंने आचरण करना शुरू कर दिया, और उस आचरण के तहत लाखों लाखों गाय मारकर कत्ल किया जाता है, हॉलैंड में गाय का मांस खाया जाता है, ब्रिटेन में भी गाय का मांस खाया जाता है, और उन लोगों ने जो गाय का मांस खाने की लत डाली है उस लत को पूरा करने के लिए फिर गाय का उत्पादन भी किया जाता है, उसी तरह से जैसे गेहूं का उत्पादन किया जाता, तो उनको गाय ऐसी चाहिए जिसमें मांस ज्यादा हो क्योंकि खाना है ना उसको, तो बड़ी गाय बनाना शुरू कर दिया, देखते हैं ना आप डच गाय आपने देखी होंगी, ब्रिटेन की गाय देखी होंगी, या होलेस्टियन गाय की जो आप कल्पना करते हैं वो हमारी गऊ जैसी तो नहीं है ना, उससे बहुत अलग है, तो इसलिए उसको इतना बड़ा किया बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कि ज्यादा मांस पैदा हो जाए, क्योंकि वो खाना है ना उसको, हम तो नहीं कर सकते ना, हमारे लिए तो वो पूज्य है, तो हमारे लिए उसके माप का कोई महत्व ही नहीं है, तो ये चिंतन में नहीं आया हमारे, उनके चिंतन में लगातार यही आता, और फिर दुर्भाग्य हम सबका क्या हुआ कि जो गाय का मांस खाने वाले हैं वो हिंदुस्तान में आ गए 16वीं-17वीं शताब्दी, डच लोग हिंदुस्तान में आ गए, पुर्तगाली हिंदुस्तान में आ गए, स्पेनिश लोग हिंदुस्तान में आ गए, अंग्रेज हिंदुस्तान में आ गए, तो वो जो कुछ विकृति उनके समाज में थी उसको साथ लेकर आ,
और 1760 में जब अंग्रेजों की सरकार चलना शुरू हुई भारत में, तो उन्होंने अपने पेट की क्षुधा पूर्ति करने के लिए गाय का कत्ल करवाने का आदेश दे दिया। 1760 में हिंदुस्तान में पहला कत्ल कारखाना खुला बंगाल में कलकत्ता। जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का नवाब था, उसने पहला गो मांस पैदा करने के लिए कत्ल कारखाना खोला, तो फिर गाय कटना शुरू हुई। धीरे धीरे गाय कटते कटते अंग्रेजों का पेट भरते भरते गाय की संख्या कम होने लगी। बाद में अंग्रेजों को यह भी समझ में आने लगा कि हिंदुस्तान में ये गाय का कत्ल करने से दो फायदे होते हैं, एक तो हमको मांस मिल जाता है खाने, दूसरा हिंदुस्तान की संस्कृति का भी सत्यानाश होता है। तो अंग्रेजों को तो हमारी संस्कृति का ही सत्यानाश करना था, गुलामी तो लानी ही थी, हमारी संस्कृति का भी सत्यानाश करना था। तो उस संस्कृति के सत्यानाश के लिए फिर उन्होंने गाय का कत्ल कटवाना और तेज किया। तीसरी बात उनको एक दिन और समझ में आ गई कि गाय हिंदुस्तान के पूरे कृषि अर्थव्यवस्था का केंद्र है, तो अगर हिंदुस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था को खत्म करना हो तो गाय को खत्म कर दो। तो फिर तीसरी बात यह भी समझ में आई, तो फिर अंग्रेजों ने बड़े बड़े मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस खोलना शुरू कर दिए, और अंग्रेजों के जमाने में कुल 300 कत्ल कारखाने हिंदुस्तान में खोले गए, जहां हजारों गायों का कत्ल होता था, उनका मांस इंग्लैंड में जाता रहा। अंग्रेजों की फौज जो हिंदुस्तान में रहती थी वो भी उसी मांस को खाती रही। अंग्रेजों के समय में 1760 से लेकर 1945 तक के कुछ दस्तावेज मेरे पास है, गो हत्या जो अंग्रेजों ने की है हिंदुस्तान में उसके बारे में कुछ 500 दस्तावेज मेरे पास है, 500 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से मैंने निकाले। उन दस्तावेजों को मैंने एक दिन सब साथ में रखकर एक जोड़ निकाला कि अंग्रेजों ने कुल कितनी गाय का कत्ल किया। तो 1760 से लेकर 1947 तक 48 करोड़ गोवंश का कत्ल किया। कैसी प्रजा हो सकती है अंग्रेजों की, उसका यह एक नमूना। वो 48 करोड़ गोवंश का कत्ल उन्होंने कर दिया। वो 48 करोड़ का गोवंश अगर जिंदा होता, कभी आप कल्पना करिए, तो आज गाय की संख्या हिंदुस्तान में मनुष्यों की संख्या से ज्यादा होती, और ज्यादा नहीं होती तो कम से कम मनुष्यों की संख्या के बराबर तो होती। हम 100 करोड़ लोग हैं तो 100 करोड़ गाय होती इस देश में कम से कम, और 100 करोड़ लोग 100 करोड़ गाय होती तो हिंदुस्तान में बहुत कुछ गरीबी और बेकारी का प्रश्न हल हो गया होता, क्योंकि गाय दूध तो देती है, उस दूध से आप बहुत कुछ बना सकते हैं, उसकी बिक्री कर सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं, उसके बाद उसका गोबर भी निकलता है, उसमें लक्ष्मी बसती है, उसको खेत में डालकर अन्न पैदा करने के काम में ला सकते हैं। जो गोमूत्र निकलता है उसमें कई तरह के ऐसे अच्छे से अच्छे रासायनिक तत्व विद्यमान है जिनसे आप सैकड़ों किस्म की दवाएं बना सकते हैं, वो खेती के भी काम आ सकती है, मनुष्य के भी काम आ सकती है। 108 तरह की दवाएं तो मैंने खुद बनाकर प्रयोग करके देखी जो मनुष्य के काम आती, अच्छी से अच्छी गहरी से गहरी बीमारियां दूर होती। डायबिटीज नाम की बीमारी किसी भी एलोपैथी के डॉक्टर के बस में नहीं है कि वो ठीक कर सके, लेकिन गोमूत्र में शक्ति है कि कितनी ही खतरनाक डायबिटीज हो ठीक हो जाती है 3 महीने में 4 महीने। अर्थराइटिस की बीमारी एलोपैथी के किसी डॉक्टर के पास उसका कोई इलाज नहीं है, गोलियां देकर आपको थोड़ी देर के लिए दर्द बंद करा देगा, लेकिन जब जाड़ा आएगा फिर दर्द शुरू हो जाएगा। गोमूत्र में इतनी शक्ति है कि अर्थराइटिस को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ऐसी जो सबसे खतरनाक बीमारियां मानी जाती हैं जिनका इलाज एलोपैथी में भी नहीं है वो गोमूत्र में है। तो गाय तो सब तरह का आर्थिक व्यवस्थापन चलाने का केंद्र बिंदु रहा है इस देश में हजारों साल से, सनातन वर्ष से। उसको खत्म जब किया अंग्रेजों ने तो भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु तोड़ दिया अंग्रेज। बाद में मुझे ऐसा लगता था कि 1947 में तो ठीक है अंग्रेज चले गए तो फिर अंग्रेजों की नीतियां भी चली जाती इस देश में। महात्मा गांधी कहते ही थे कि अंग्रेज चले जाएंगे तो शायद अंग्रेजियत भी चली जाएगी इस देश में, लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा हो, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी औलादें छोड़कर गए, और अंग्रेजों की औलादों ने ही शासन किया पिछले 50 साल। ये जो शासन करने वाले लोग हैं इनको मैं अंग्रेजों की औलाद कहता हूं, ये काले अंग्रेज। आप पूछोगे क्यों कहते हो राजीव भाई आप इनको, मैं इसलिए कहता हूं कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान छोड़कर गए थे तो 300 कत्ल कारखाने थे, ये अंग्रेजों की औलादों के शासन में 36,000 कत्ल कारखाने हुए।
और रोज एक सरकारी फरमान आता है, कोई एक नया कतल कारखाना खुल जाता रोज। पिछले 50 साल में आजादी के बाद 300 से बढ़कर कतल कारखानों की संख्या 36,000 हो गई, और उनमें करीब 3,500 कतल कारखाने तो इतने बड़े हैं जहां एक एक दिन में 5,000 से लेकर 10,000 पशु कटते। एक एक तो करोड़ों गोवंश का सत्यानाश तो अंग्रेजों की सरकार ने किया, अब उससे ज्यादा करोड़ों करोड़ों का सत्यानाश भारत की सरकारें करती। और कभी कभी मैं इन नेताओं से मिलता हूं और पूछता हूं कि तुम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है क्या, तो वो एक ही जवाब देते हैं कि राजीव भाई हम क्या करें, हमको तो विदेशी पूंजी चाहिए, डॉलर चाहिए, और डॉलर इस देश में अभी भगवान हो गया। जिस देश में पूंजी को तुच्छ माना जाता था, माया माना जाता था, और माया को दूर रखना चाहिए, माया में फंसना नहीं चाहिए, आज हमारी पूरी सरकार उसी माया में फंसी हुई है। डॉलर लाओ, डॉलर लाओ, डॉलर लाओ। हिंदुस्तान में पिछले 50 साल में श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री को छोड़कर जितनी सरकारें बनी है वो सब डॉलर लाओ अभियान चलाने वाली सरकारें। तो डॉलर कैसे आएगा, तो उसका उन्होंने एक रास्ता खोज रखा है कि ज्यादा से ज्यादा मांस का हम निर्यात करें तो डॉलर आएगा। तो लाखों टन मांस का निर्यात करने के लिए हजारों कतल कारखाने खोल रखते हैं, तो गोवंश का भी कत्ल कराते हैं उसमें, और बाकी जीव जंतुओं का भी कत्ल कराते हैं। अलग अलग देशों में मांस का निर्यात किया जाता है। ये मुस्लिम देश है जिनको अरब देश बोलते हैं, वहां लाखों टन मांस का निर्यात होता है। यूरोप के देशों में हर साल लाखों टन मांस का निर्यात होता है। अलग अलग देशों की जरूरत के हिसाब से सरकार निर्यात करती है। और भारत सरकार ने इस साल एक नई योजना फिर सबके सामने रखी है कि अभी तक हिंदुस्तान में करीब 1,00,000 टन मांस का निर्यात करने की बात चलती थी, अब वो कहते हैं कि हम 2 साल में इसको 1,50,000 टन करेंगे। माने मांस का निर्यात हम बढ़ाते चले जाएंगे ताकि हिंदुस्तान के पशु जगत की हत्या होती चली जाए। इन छोटी बुद्धि के नेताओं को यह नहीं समझ में आता कि ये पशु जिंदा नहीं रहेंगे तो हम जिंदा नहीं, बिना पशु के आदमी का जीवन संभव नहीं, कम से कम भारतीय समाज में तो संभव नहीं। लेकिन अब क्या करें, अंग्रेजों का जो बीज था वो इन नेताओं में पड़ गया, और उसी अंग्रेजों की नीति पर आज इस देश के नेता चल रहे। ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि अंग्रेजों की सरकार के चले जाने के बाद भी हिंदुस्तान में गोहत्या रोकने के लिए हमें आंदोलन चलाना होगा। अंग्रेज थे, गोहत्या होती थी तब आंदोलन चलता था, बात समझ में आती थी कि वो परदेशी थे, लेकिन अब तो हमारे ही अपने लोग हैं जो सरकार चलाते हैं और उनके राज्य में गोहत्या होती है और उसको रोकने के लिए आंदोलन चलाना पड़ता, इससे बड़े शर्म की बात क्या हो। तो ऐसा तंत्र उन्होंने बना रखा, और यह सब कुछ कानून के आधार पर होता। गोवंश का कत्ल भी कानून के आधार पर बना दिया है, बाकी का कत्ल भी कानून के आधार पर बना दिया। मैं बहुत बार जाता हूं देवनार कत्ल कारखाने में, और वहां वैसे कानून तो यह है कि गाय का कत्ल नहीं हो सकता क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा एक कानून बना रखा, लेकिन मैं देखता हूं कि गाय का कत्ल भी होता। तो उस कानून के बारे में बहुत बारीकी से मैंने अध्ययन किया, तो उसमें एक लूप होल है कि जो गरीब माने जो बीमार गाय है उसका कत्ल हो सकता। उस कानून में उन्होंने सिर्फ इतना डाला है कि स्वस्थ गाय का कत्ल नहीं हो सकता, तो इसका माने बीमार गाय का तो कत्ल हो ही सकता है। अब ये कौन तय करेगा वहां बैठकर कि ये गाय बीमार है और ये स्वस्थ। तो मैं गया एक दिन देवनार कत्ल कारखाने में, मैंने पूछा कि यहां कौन तय करता है कि कौन सी गाय बीमार है कौन सी स्वस्थ है, तो उसने कहा साहब यहां एक डॉक्टर है। तो मैं उस डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा तुम कैसे तय करते हो कि ये गाय बीमार है ये गाय स्वस्थ है। उसने कहा सच्ची बात बताऊं राजीव भाई, मैंने कहा सच्ची बात बताओ, प्रीति बात बताओ। उसने कहा मुझे भी मजबूरी में ये सब करना पड़ता है, मुझको घूस मिलती है ये बताने के लिए कि ये गाय बीमार। तो वो घूस लेके रिश्वत लेके अच्छी खासी स्वस्थ गाय को बीमार होने का सर्टिफिकेट दे देता है तो गाय कटने के लिए चली जाए। और कैसे करते हैं वो, कई बार अगर अच्छी खासी स्वस्थ गाय अगर चेकिंग करने के लिए कोई आ जाए, इंस्पेक्शन करने के लिए आ जाए, और अच्छी खासी स्वस्थ गाय खड़ी हुई है तो उसका हाथ पैर तोड़ देते हैं ताकि वो बीमार दिखने लगे। तो इंस्पेक्शन करने वाला उसको जो है सर्टिफिकेट देकर चला जाता है कि ठीक है इसका सर्टिफिकेट।
ये यहां भी होता है और दूसरे कत्ल कारखाने में। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पहले आपको बर्बाद करने के लिए सीधे आक्रमण होता था, अब आपको बर्बाद करने के लिए सीधे आक्रमण नहीं होता, कानून बनाते हैं फिर कानून सब काम कराते। और जब ये गाय का कत्ल हो सकता है इस देश में इस बड़े पैमाने पर, तो फिर बच्चों का भी कत्ल हो सकता है। तो इसी के लिए ये एमपीपी भी एक्ट आ गया है, मेडिकल टर्मिनेशन फॉर प्रेगनेंसी। ये यूरोप में चलता था, मेडिकल टर्मिनेशन फॉर प्रेगनेंसी एक्ट, यूरोप के देशों में, अमरीका में भी चलता। अमरीका में गर्भपात करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा पूरी दुनिया, यूरोप में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में भी सबसे ज्यादा। उसका कारण अमरीका में भी चलता, अमरीका में गर्भपात करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा पूरी दुनिया, यूरोप में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में भी सबसे ज्यादा। उसका कारण क्या? उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि वहां बिना शादी के बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। और बिना शादी के बच्चे पैदा क्यों होते हैं वहां पर? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां परिवार नाम की कोई चीज नहीं। हिंदुस्तान में रहते हुए और फ्रांस में रहते हुए जो मुझे सबसे बड़ी चीज महसूस हुई, यूरोप के और भी देशों में रहते हुए मुझे जो सबसे बड़ी चीज महसूस हुई कि वहां परिवार नहीं होता है, बाकी सब होता है, परिवार ही होता है, बाकी कुछ हो या ना हो। तो हमारे यहां चूंकि परिवार की कल्पना है ना, तो परिवार तो समाज में से निकलता है, तो फिर पारिवारिकता को चलाने के लिए समाज ने बहुत सारे नियम बना रखे हैं। उनमें से एक नियम है वर्जना का, संयम का, कि जब तक आपका परिवार ना बचे तब तक आप शारीरिक संबंधों से बचे। माने शारीरिक संबंध तभी इस देश में करने की आपकी आपको परमिशन दी जाती है जब आप गृहस्थ हो जाएं, बाकी तो ब्रह्मचारी ही रहना पड़ता है। जीवन ब्रह्मचारी माने संयम का जीवन बिताना पड़ता है। यूरोप में तो ऐसा नहीं होता, वहां तो 11-12 साल की लड़कियां मां बनती हैं। आप सुनते आश्चर्य करें। मैं एक बार डेनमार्क नाम के देश में था, 1991 के साल की बात है, तो डेनमार्क की संसद में बड़ी बहस चल रही थी उस समय, और बहस यह चल रही थी कि लड़कियों को मां बनने की सबसे कम उम्र क्या रखी जाए, यह बहस चल रही डेनमार्क की संसद। और वो 3 महीने बहस चलने के बाद उन्होंने फैसला किया कि सबसे कम उम्र में मां बनने की लड़की की क्षमता 14 साल में विकसित हो जाती है, तो 14 साल की उम्र को मां बनने की उम्र घोषित कर दिया है। तो वहां 14 साल की लड़की मां बन सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी शादी हो गई हो। तो बिना शादी के मां बनती है तो फिर संकट आता है, बच्ची बच्चों को पालेगी कैसे? तो या तो एबॉर्शन करो या तो अनाथ आश्रम में बच्चे को दान करो। तो परिवार नहीं होने से और पारिवारिकता नहीं होने से उन यूरोप के देशों में एक बहुत राक्षसी संस्कृति का विकास हुआ, और वो राक्षसी संस्कृति यही है कि या तो बच्चा पैदा होने मत दो, और अगर हो जाए तो उसको अनाथ आश्रम में दे आओ, क्योंकि पालना आपके लिए संभव नहीं। और वहां क्या हुआ है, स्त्री और पुरुष सिर्फ शारीरिक संबंधों तक सीमित है, आत्मा की कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो मानते ही नहीं कि आत्मा होती भी है। हमारे यहां पति पत्नी का मिलन आत्मिक मिलन भी माना जाता है, उनके यहां तो सिर्फ शारीरिक होता, तो सिर्फ शरीर तक सीमित हो गया है वहां का पूरा समाज। तो ये शरीर से पैदा हुई समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने एक और गलत रास्ता अपनाया है। उसमें से एक रास्ता है ये मेडिकल टर्मिनेशन फॉर प्रेगनेंसी, ये वहां से निकला यूरोप में और बड़े पैमाने पर प्रचारित हुआ, फिर धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी आ गया। मैंने बताया ना कि हिंदुस्तान के नेता तो अंग्रेजों की औलाद है, उनको क्या लगता है जो अमेरिका में होता है वो हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। जैसे ही वहां एमपीपी एक्ट पारित हुआ तभी से हिंदुस्तान के नेताओं ने चर्चा करना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान में भी इसको पारित करो। यूरोप के देशों में जैसे ही एमपीपी एक्ट आया उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि उसको हिंदुस्तान में भी कराओ, तो करा दिया उन्होंने हिंदुस्तान। और अब हालत यह है कि जिस तरह से गोवंश का कत्ल हो रहा है वैसे मनुष्य जाति का, नारी जाति का भी कत्ल। जगह जगह हॉस्पिटल खुल गए क्योंकि कानून बन गया, पहले कानून नहीं था तो चोरी छुपे होता होगा, कम पैमाने पर होता होगा, जैसे ही कानून बना तो बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, और बाकायदा उसका विज्ञापन होता है क्योंकि वो तो दुकान चलती है ना,
जैसे कोई परचूनी की दुकान चलाता है कि तेल खरीद ले जाओ मेरी दुकान से, चावल खरीद ले जाओ मेरी दुकान से, गेहूं खरीद ले जाओ मेरी दुकान से, वैसे ही दुकान चल रही है गर्भपात की कि आओ मेरी दुकान पे गर्भपात करा के जाओ। और आप मुंबई में कभी घूमेंगे, मेरा खून जलता है जब मैं मुंबई जाता हूं, वहां की रेलगाड़ियों में स्टिकर लगाए जाते हैं बड़े बड़े कि आइए और 150 रुपए में छुटकारा पाइए, ये उस पर लिखा हो। और हमारे ये बेवकूफ नेताओं ने कानून कैसे बनाए हैं, कानून कुछ इस तरह के बनाए हैं कि हमारे देश में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद उसकी हत्या की जाए तो उसको तो कहते हैं हत्या, लेकिन पैदा होने के पहले मार दे तो उसको कहते हैं गर्भपात। हत्या तो दोनों, एक गर्भपात एक हत्या, ये कहते हैं हत्या तो दोनों है। सारे डॉक्टर जानते हैं दुनिया के कि 2-3 महीने के गर्भ ठहरने के बाद ही बच्चे में जान पड़ जाती है, तो आप उसको मार रहे हो तो हत्या ही कर रहे हो, लेकिन गर्भ के अंदर करे तो वो हत्या नहीं है, गर्भ के बाहर करे तो हत्या है। तो सारे डॉक्टर जो गर्भ के अंदर हत्या करते हैं वो हत्यारे नहीं कहलाते, वो डॉक्टर कहलाते। और उसी बच्चे को गर्भ के बाहर लाकर मारे तो उनको हत्यारा कहते, हत्यारे तो दोनों है। एक डिग्री होल्डर है, दूसरा सुपारी होल्डर है, इतना ही तो फर्क है ना। वो डिग्री लेकर हत्याएं करता है, दूसरा सुपारी लेकर करता है। 10,000 की सुपारी दी जाती है, 20,000 की सुपारी दी जाती है, 50,000 की सुपारी तो दोनों ही लेते हैं, बस फर्क इतना है कि डिग्री होल्डर कम सुपारी लेता है, 150 रुपए की सुपारी में कर देता है, और जो पेशेवर हत्यारा है वो 10,000 की सुपारी लेता है, सुपारी तो दोनों ही लेते। और हम भी कुछ ऐसे बेवकूफ हो गए हैं कि जो डिग्री होल्डर है उनको अपने समाज में बहुत सम्मानित करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, उनको मालाएं पहनाते हैं, मेरे को कितने बड़े डॉक्टर साहब हैं, राक्षस नहीं कहते उनको, डॉक्टर साहब कहते हैं। वो तो राक्षस में भी गए बीते, रावण भी था तो उसकी कुछ नीतियां थी, लेकिन इनकी तो कुछ भी नीति नहीं, ये तो रावण से भी गए बीते। हमने समाज में उनको प्रतिष्ठा देना शुरू कर दिया, और पढ़े लिखे परिवारों ने अपने अपने बेटा बेटियों को वो बनाने के लिए कसरत करना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर, मेरी बेटी डॉक्टर, ये नहीं कहते कि मेरा बेटा राक्षस, मेरी बेटी राक्षस। और शादी ब्याह होगा तो पहली चॉइस है डॉक्टर मिले तो राक्षस ले आओ घर में, यही व्यवस्था चली ना। तो वो जो अंग्रेजों का बीज है हमारे भी दिमाग में घुस गया थोड़ा बहुत, और ये पढ़े लिखे हिंदुस्तानी के दिमाग में बहुत घुस, तो इससे उसकी प्रतिष्ठा बनती चली गई है, प्रतिष्ठा बनती चली गई है तो समाज उस पर उंगली नहीं उठाते। और एक ऐसा बड़ा भारी किचन बन चुका है, एक ऐसा बड़ा भारी षड्यंत्र जैसा बन चुका है कि हिंदुस्तान में ये एक बड़े पैमाने पर चलाओ दो बड़े, और इन दोनों चीजों को कराने से गो हत्या होती रहे, जीव हत्या होती रहे, बच्चों की हत्या होती रहे, माने क्या है, हिंसा बढ़ती रहे। और जितनी जितनी हिंसा बढ़ती जाएगी तो उतनी उतनी अहिंसा के सिद्धांत से हम दूरी बनाते चले जाएंगे, और एक दिन अगर अहिंसा का सिद्धांत ही हमने छोड़ दिया तो भारतीय संस्कृति का तो सत्यानाश हो ही गया, फिर इस्लामी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में क्या फर्क, फिर इस्लामी के सारा साथ क्रिश्चियन संस्कृति और भारतीय संस्कृति में क्या फर्क। यही तो फर्क है जो सबसे बड़ा है कि हम अहिंसा में मानते हैं वो हिंसा में मानते हैं, हम जीव जगत के कल्याण की बात करते हैं वो सिर्फ मनुष्य जगत के कल्याण की बात करते हैं। तो षड्यंत्र क्या है, षड्यंत्र ये है कि इस भारतीय संस्कृति का सत्यानाश करो, इसका खात्मा करो, और ये षड्यंत्र हजार साल से चल रहा, महमूद गजनवी ने एक तरीके से चलाया, अंग्रेजों ने इसको दूसरे तरीके से चलाया, और अब हमारी सरकार इसको तीसरे तरीके से चलाए। और अगर हमको यह समझ में आ जाए कि यह षड्यंत्र किन किन तरीकों से चलाया जा रहा है, तब इससे लड़ने की बात भी समझ में आने लगी। तो सबसे बड़ी बात जो समझ में आ रही है कि यह भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने के लिए किया जाने वाला षड्यंत्र है। उनका इंटरेस्ट क्या है भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने का, वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया ईसाई हो जाए। अभी 2 साल पहले पोप ने एक भाषण दिया था श्रीलंका, तो उसमें उसने कहा कि 21वीं शताब्दी में हमारा सपना है कि सारी दुनिया में ईसाईयत का झंडा फहराया जाए, ये उनका सपना।
तो उसी सपने के आधार पर वो काम करते, उसी सपने के आधार पर वो सारी प्लानिंग करते। तो अगर उनकी ये कल्पना है और उनका सपना है कि पूरी दुनिया में ईसाइयत का झंडा फहराया जाए, तो इसका मानना बिल्कुल स्पष्ट है कि ईसाइयत के अलावा दूसरी कोई संस्कृति बचे नहीं पूरी दुनिया। और अगर है दूसरी संस्कृतियां तो उनको नाश करो, उनका सत्यानाश करो। तो उसके लिए तरह तरह के तरीके अपनाओ, उनमें से ये कुछ तरीके अपनाए जा रहे हैं। ये गो हत्या नहीं हो रही है, भारतीय संस्कृति की हत्या हो, शिशु हत्या नहीं हो रही है, भारतीय संस्कृति की हत्या हो। तब अब हमको ये करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अब इससे बचने का उपाय क्या, इससे बाहर निकलने का उपाय क्या। मैंने आपको बताया कि ये जितने काम हो रहे हैं सब कानून बनाकर हो रहे हैं, तो हमको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी इन कानूनों को बदलवाने के लिए। मान लीजिए एमपीपी एक्ट बना है तो ये रद्द होना चाहिए, हमें इसकी कोई जरूरत है, भारतीय समाज में इसकी कोई जरूरत है। और हम हमारे नौजवानों को समझा लेंगे कि वो संयम से रहेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को मेडिकल टर्मिनेशन कराने की। नौजवान हमारा संयम से रहना सीख जाएगा तो जरूरत क्या पड़ेगी हमको गर्भपात कराने की। इसलिए हमको कानून की जरूरत नहीं है, ये कानून की जरूरत यूरोप के लोगों को है, अमरीका के लोगों को है, तो उनको बनाने दो। जरूरी नहीं है कि हम जो वो करेंगे हम वही करेंगे, हम तो उनके नकलची बंदर नहीं बनने वाले, तो हमको इस कानून की जरूरत नहीं, ये बात हमको कहनी पड़ेगी। और जहां भी बड़ी ताकत के साथ हम ये बात कहने की कोशिश कर सकेंगे तो शायद इसमें से बचकर निकलने का रास्ता निकलेगा। मैं ये काम करने जा रहा हूं 2-3 महीने के बाद, मैं सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा मुकदमा करने जा रहा हूं भारत सरकार के खिलाफ। हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत में भारत सरकार के खिलाफ मैं यही मुकदमा करने जा रहा हूं कि कौन कौन से कानूनों की हमको जरूरत है, कौन से कानूनों की हमको जरूरत नहीं। जैसे ये गाय की हत्या करने के लिए कानून बना रखा है, शिशुओं की हत्या करने के लिए कानून बना रखा है, ऐसे हिंदुस्तान की सरकार ने 3,735 कानून बना रखे जो भारतीय संस्कृति का सत्यानाश कर, ऐसे 3,735 कानून है। दो कानूनों का जिक्र मैंने किया आपको, ऐसे 3,735 कानून। तो ये सारे के सारे 3,735 कानूनों को रद्द करना है, हमें इन कानूनों की कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजों को जरूरत थी लेकिन हमें नहीं है, यूरोप को जरूरत होगी वो करें, अमेरिका को जरूरत होगी वो करें, हमको इनकी जरूरत नहीं है। तो जब जरूरत है ही नहीं तो वो कानून क्यों चले, और कानून चलता है तो उसी से रास्ता बनता है ये सब करने का, तो कानून खत्म करो पहले। तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करने जा रहे हैं, शायद अगस्त सितंबर तक हमारा मुकदमा होगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस मुकदमे में ताकत पड़े और इस मुकदमे के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज को यह लगे कि यह कुछ ऐसा मामला है जिसमें करोड़ों हिंदुस्तान की जनता शामिल है, यह किसी एक राजीव दीक्षित का मामला नहीं है, मैं ऐसा चाहता हूं कि जिस दिन यह मुकदमा जाए तो हिंदुस्तान के उस जज को पता चल जाए कि यह मामला करोड़ों लोगों का है, माने करोड़ों लोग इसमें शामिल हैं, और ये बात हम उनको समझा सके सुप्रीम कोर्ट वालों को। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर लेकर उनका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में लगाने का फैसला किया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जितने मुकदमे होते हैं उसमें एक पार्टी होती है या दो पार्टी होती है, एक व्यक्ति होता है, दो व्यक्ति होता है, हम हिंदुस्तान के 1 करोड़ लोगों की तरफ से यह मुकदमा करने हैं। मैं अकेले भी कर सकता हूं, ये अधिकार मुझको है, हमारे देश के संविधान की व्यवस्था के अनुसार उसमें एक आर्टिकल नंबर 32 है जो मुझको व्यक्तिगत रूप से भी अधिकार देता है कि मैं भारत सरकार के खिलाफ ये केस कर सकता हूं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अकेले क्यों करूं, क्योंकि मेरे अकेले का मामला नहीं है, करोड़ों लोगों का मामला, और मैं अकेले गया तो जज इसको रद्द भी कर देगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, 1 करोड़ लोगों की तरफ से ये मुकदमे को लेकर। तो हिंदुस्तान के 1 करोड़ लोगों से आजकल हम हस्ताक्षर ले रहे हैं, अभी तक 30 लाख लोगों ने हमको हस्ताक्षर दे दिए, 70 लाख और दे देंगे अगले जुलाई अगस्त को, और जैसे ही 1 करोड़ की संख्या होगी वैसे ही हमको मुकदमा करेंगे, और उस मुकदमे में जितनी ताकत बन पड़ेगी हम ये सिद्ध करेंगे कि कानून आदमी के लिए है, आदमी कानून के लिए नहीं। तुम कोई भी कानून बनाओगे तो पहले हमसे पूछकर,
हमारी जरूरत है कि नहीं है, तभी तो कानून बनेगा ना। सरकार अपने मन से कैसे तय कर सकती है कि हमारे मन में जो आएगा वो कानून हम बनाएंगे, क्योंकि सरकार तो नौकर है हमारी, हम तो मालिक है सरकार की, सरकार तो हमारे वोट पर चुनी जाती है ना, तो नौकर है वो तो हमारे, नौकर मालिक से बिना पूछे कोई काम कर सकता है? तो ये सरकार बिना हमसे पूछे कैसे काम करेगी? तो इस आधार पर, और हम जितने कानून है उनके बारे में सिद्ध करेंगे कि ये सारे के सारे कानून राष्ट्र विरोधी कानून है, भारतीय संस्कृति विरोधी कानून है, भारतीय जनता के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले कानून है। हमारे देश का जो लॉ है, नेचुरल जस्टिस का, जो प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, उसके खिलाफ ये सारे के सारे कानून है। और ये बात अगर हम सिद्ध कर सके सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इनमें से कई कानूनों को रद्द करने के बारे में गंभीरता से सोचे। और ये कानून अगर एक एक तरह से रद्द होते चले जाए तो रास्ता फिर थोड़ा थोड़ा खुलता चला जाए। ये लड़ाई का एक हिस्सा, पूरी लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई का ये एक हिस्सा। तो कानून को हटा देंगे वहां से, लेकिन मानसिकता में जो बैठ गया है उसको भी हटाना पड़ेगा। हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता में जो ये बैठ गई है ना चीज, कई साल के कानून बनने के बाद, इस मानसिकता में से भी इसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की जनता का जागरण करना होगा, हिंदुस्तान की जनता में चेतना लाने का काम करना होगा कि ये जो कुछ किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम कोई काम करने की कोशिश करेंगे, जनता का ही एक वर्ग खड़ा होकर कहेगा कि आप साहब ये क्यों करते हैं, इससे हमारी रोजी रोटी खत्म होगी, ये सब डॉक्टर हमारे खिलाफ चले जाएंगे कोर्ट में और कहेंगे आप तो हमारी दुकान बंद करा देंगे, दुकान बंद होगी तो हमारी जीविका कैसे चलेगी, जीविका नहीं चलेगी तो हमारा मौलिक अधिकार खत्म होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरा मुकदमा लेके हमारे विरोधी आ जाएंगे। तो वो ऐसा ना कर सके, इसके लिए जनता में बड़े पैमाने पर जन जागरण करना हो, ये दूसरा काम हो। अब उस जन जागरण के लिए हमको प्रवक्ता चाहिए, जो गांव गांव जा सके, गली गली जा सके, मोहल्ले मोहल्ले जा सके, लोगों को ये बात समझा सके। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ प्रवक्ताओं को तैयार करना शुरू किया है, लेकिन प्रवक्ता तैयार होने में समय लगता है। तो मैंने उसके लिए दूसरा रास्ता अपनाया, मैंने कुछ कैसेट बनाई और वो कैसेट का लाखों की संख्या में प्रचार हो रहा है पूरे देश में, जन जागरण की स्थिति। और वो कैसेट का लाखों की संख्या के बाद करोड़ों की संख्या में जब प्रचार होना शुरू होगा, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोग रहते, तो 100 करोड़ लोगों में से अगर 10 करोड़ लोगों ने वो बात सुन लिया तो कम से कम वो और 10-10 को सुना देंगे, बता देंगे। अगर एक व्यक्ति ने सुना तो वो कम से कम 10 व्यक्ति को बताएगा। तो मान लीजिए 10 करोड़ कैसेट पूरे देश में फैल गई तो हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों के कान तक ये बात पहुंच जाएगी कि हम क्या करने वाले हैं या हम क्या करना चाहते हैं। तो उसमें से क्या होगा कि हमारे विरोधियों की संख्या कुछ कम हो जाएगी, और हमारे विरोधियों की संख्या कम हो जाएगी तो हमारे रास्ते की अड़चनें कुछ कम हो जाएंगी। ये लड़ाई का दूसरा हिस्सा। और एक लड़ाई का फिर तीसरा हिस्सा है कि एक बार ये कानून रद्द हुए और एक बार जनता में चेतना निर्माण हुई, तो तीसरी ताकत हमें इस बात के लिए लगानी पड़ेगी कि भविष्य में कोई इस तरह का कानून ना बनने पाए। माने भविष्य में कोई भी सरकार ऐसी कोशिश ना करे कि इस तरह का कोई कानून दोबारा से बन सके। माने तब क्या होगा, समाज की शक्ति को, धर्म की शक्ति को, माने धर्म की सत्ता को, समाज की सत्ता को, राज्य की सत्ता से ऊपर ले जाना पड़ेगा। माने राज्य सत्ता पर कंट्रोल या तो समाज सत्ता करेगी या तो धर्म सत्ता करेगी। आज क्या हो गया है, राज्य सत्ता धर्म सत्ता से ऊपर आ गई है, राज्य सत्ता समाज सत्ता से ऊपर आ गई है। तो ये राज्य सत्ता को धर्म सत्ता के नीचे लाना है, वही उसकी जगह है। हमारे यहां धर्म सत्ता प्रमुख होती है, नीचे समाज सत्ता होती है, राज्य सत्ता तो उससे भी नीचे होती है। तो भारतीयता की जो संस्कृति रही है उसी के हिसाब से इस सत्ता को नीचे लाना। तो अब आपसे एक आखिरी निवेदन, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया, कि आप पूछेंगे हम इसमें क्या कर सके, आप इस पूरे काम में जितनी शक्ति से मदद कर सके करिए। सबसे बड़ी मदद आप क्या कर सकते हैं जो सबसे आसान है, मैंने कहा कि हमको हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों तक ये संदेश पहुंचाना, तो करोड़ों लोगों को संदेश पहुंचाने के लिए एक राजीव दीक्षित काफी नहीं, ऐसे हमको 1000 राजीव दीक्षित बनाने, तो उनको बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे मैंने अभी तक 18 प्रवक्ता बनाए मेरे जैसे, वो पूरे देश में घूम रहे हैं,
गांव-गांव घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। धीरे धीरे उनकी संख्या और बढ़ रही है। तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, दक्षिण की सारी भाषाओं में बात करने वाले प्रवक्ता तैयार हो गए। उत्तर की भाषा में बात करने वाले, पश्चिम भारत की भाषा में, गुजराती में, मराठी में बात करने वाले प्रवक्ता तैयार हो रहे हैं। तो एक तो प्रवक्ता तैयार करने, तो आप में से कभी भी किसी को लगे जो थोड़ा भी अच्छा बोलना जानता हो, जो बोल सकता हो किसी भी बात को अच्छे तरीके से, तो आप जरूर हमसे संपर्क करिए। तो हम क्या करते हैं, वक्ता बनाने के लिए शिविर लगाते हैं। हर साल में हम 3-4 ऐसे शिविर लगाते हैं 15-15 दिन के। तो इस बात को प्रभावशाली तरीके से जनता को कैसे समझाया, तो एक तो आप इसमें मदद करिए। आपके आजू बाजू कोई अच्छा वक्ता मिल जाए, अच्छा प्रवक्ता मिल जाए, उसको आप हमारे साथ तक मिला दीजिए, हमसे संपर्क करा दीजिए। दूसरा, आप क्या हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि हमने कैसेट बनाई है, वो कैसेट का जितने बड़े पैमाने पर प्रचार आप करने में मदद कर दें, उतनी जल्दी ये काम संभव होगा। क्योंकि कैसेट से बात जितनी जल्दी पहुंचेगी, शायद वक्ताओं के माध्यम से भी नहीं पहुंचेगी। मैं कुछ कैसेट अपने साथ लेके आया हूं, वहां बाहर स्टॉल पे रखी है। अगर आप उसको लेकर जाए, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सब बातें बताएं, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये वैचारिक क्रांति का दौर शुरू होगा। और एक तीसरा और आखिरी तरीका कि इन सब प्रश्नों पर गंभीरता से ताकत बनाने के लिए गांव गांव, नगर नगर, गली गली संगठन खड़े किए जाएं, इन प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए, समाधान ढूंढने। कहीं तालुका स्तर का संगठन हो, तहसील स्तर का हो, गांव स्तर का हो, ग्राम पंचायत स्तर का हो, जिले स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, तो जगह जगह बड़ी मात्रा में संगठन खड़े किए जाए और उस संगठन में पूरा समय दान करने वाले लोगों की भर्ती की जाए। क्योंकि हमें 2-3 तरह के लोग चाहिए। एक तो ऐसे जो 24 घंटे यही काम करें, कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो जीवन में अपने बहुत सारे काम करेंगे, थोड़ा सा 2-3 घंटे का ये काम भी करेंगे, तो कुछ अल्प समयदानी और कुछ पूर्ण समयदानी हमको लोग चाहिए। तो पूर्ण समयदानी लोगों की भर्ती करनी है, अल्प समयदानी लोगों की भर्ती करनी है, और फिर तीसरे ऐसे लोग मिलेंगे जो धंधा करते होंगे, दुकान चलाते होंगे, व्यापार करते होंगे, लेकिन उनसे भी हम कहेंगे कि कम से कम 1 घंटा रोज का अपने जीवन का इस काम के लिए दान करो, समय दान करो, बड़े से बड़ा दान समय दान करो इस समय। तो ज्यादा से ज्यादा समयदानी लोग इस काम के लिए मिलने लगेंगे, तो शायद एक बहुत बड़े पैमाने पर यह काम हम कर सकेंगे। और एक अंतिम निवेदन के साथ मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर हम सब लग जाएंगे संकल्प के साथ, तो इसको जरूर कर लेंगे। हिंदुस्तान की जनता में ऐसी संकल्प शक्ति है कि 200 साल 250 साल की अंग्रेजों की गुलामी को उखाड़ के फेंक दिया इसी जनता ने। तो 200-250 साल की अंग्रेजों की गुलामी को उखाड़ कर फेंक दिया और अंग्रेजों की सरकार चली गई और ईस्ट इंडिया कंपनी भी चली गई, तो आज की ये जो गुलामी है उसको भी उखाड़ के फेंका जा सकता है। और मेरी ऐसी मान्यता है कि भारतीय समाज और भारतीय जमीन, भारतीय धरती या भूमि कभी वीर विहीन नहीं रही। जब जरूरत पड़ी है तो भगवान कृष्ण आते ही रहे हैं, जब जरूरत पड़ी है तो वीर लोग पैदा होते ही रहे हैं। माहौल बनेगा पूरे देश में तो फिर इसमें से क्रांतिकारी निकलेंगे, और वो क्रांतिकारी इस देश में वो सब कर देंगे जो अधूरा किया हुआ काम है या अधूरा पड़ा हुआ काम। तो मुझे 200% आत्मविश्वास है कि ये काम हम करके रहेंगे। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि भारतीय समाज बहुत बड़ा समाज है और हमारी न्याय की पद्धति भी अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई है, जिसमें जल्दी न्याय नहीं मिलता, सालों साल लग जाते हैं, मामला ऐसे ही टलता रहता। लेकिन इतना विश्वास जरूर है अपनी मेधा पर, अपनी शक्ति पर, अपने संकल्प पर कि हम इसको कर डालेंगे अगर लोगों का सहयोग और लोगों का साथ हमको मिले। तो यही अपेक्षा लेकर मैं आपके बीच आया था। स्वामी जी का आशीर्वाद चाहिए, अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर ये काम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।